वक्त आ गया है मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने का, खुद से ये पूछने का कि क्या मैं निखिल से इतना प्यार करती हूँ उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम फेस कर लूंगी। आज मुझे प्यार का इम्तिहान देना ही होगा। धूली उड़द सारी दाल साफ लग रही है, धुली हुई है, कोई भी गंदी नहीं है। दूसरा देखती हूँ। क्या? साबुत मसूर। साबुत मतलब आखा होता है पूरा। हाँ, ये दाल तो टूटी हुई है, ये भी टूटी हुई है। में से तो कोई भी दाल टूटी हुई नहीं है। ये कसूरी मेथी। अब इस बेचारी ने बुआ जी का क्या बिगाड़ा है जो बुआ जी ने इसका नाम कसूरी रख दिया। और ये मेथी क्या होती है? बुआ जी ने पास्ता, मैगी और सॉसेस वगैरह के चिट्स नहीं बनाया? गॉड अनमोल, फोकस। तू ससुराल में है, पापा के घर पे नहीं है, और यहाँ ये सब नहीं खाते। तेरे ससुर जी पंडित है, पंडित। चल चल चल, फोकस। नेक्स्ट इज जीरा। एक मिनट, पहले इतना चिपका देती हूँ। चावल है, चना, ये होगी शायद। तूर दाल, काबुली चना, जीरा, मसूर, सरसों। यार ये सब कितना डिफिकल्ट है। नहीं अनमोल, इंग्लिश नहीं, तुझे ना कैसे भी करके ये सब सीखना ही पड़ेगा, वरना बुआ जी ना रोज तुझे सुबह सुबह उठाएंगी और देर रात तक सोने भी नहीं देंगी, और निखिल से बात नहीं करने देगी वो अलग। ये सब ना उस साड़ी का दोष है, और ना वो साड़ी जलती, ना सीमा का रिश्ता ढूंढने में प्रॉब्लम होती, और ना ही मुझे ये सब करना पड़ता। तक तो सिर्फ वो पायल मेरी दुश्मन थी, पर अब ये सारी चीजें बन गई है। काश मेरे पास कोई सुपर पावर होता, मैं पास्ट में चली जाती और सब कुछ ना ठीक कर देती एकदम स्मूथ। वाह अनमोल, क्या इमेजिनेशन है तेरी। वैसे ये तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। हाँ, सीमा के लिए रिश्ता ढूंढ लेती हूँ, बुआ जी भी खुश हो जाएंगे और मुझे निखिल से बात करने की परमिशन भी दे देंगे। हाँ, सीमा के लिए रिश्ता ढूंढना है तो उसके बारे में कुछ पता भी तो लगाना पड़ेगा। सीमा, तुम्हारी हाइट कितनी है? 5'6". पर आप क्यों पूछ रही हैं? हाँ, नहीं ऐसी, घर में सबके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए ना, इसीलिए। 5'7". ये रिश्ते ढूंढने में सब लोग बड़ा चढ़ा के लगते हैं। और तुम्हारी एज? 23, 24? 24, 30। एज थोड़ी बड़ा चढ़ा के लिखते हैं। 23 लिखती हूँ। और तुम मंगली नहीं हो ना? मैं आपको जंगली देखती हूँ। अरे छोड़ो, कुछ नहीं, पढ़ी लिखी, ब्यूटिफुल, और वेरी गुड भांजी। अब ढूंढा जाएगा सीमा के लिए लड़का। और कुछ जानना है आपको? नहीं नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन। हाँ, कुछ जानना होगा तो बाद में पूछ लूंगी। बंदरों की पोर्टफोलियो भी है क्या? इनोसेंट डिवोर्सी, और मेरी सीमा के लिए कभी नहीं। दूसरा ढूंढती हूँ।
ये वाला कॉन्वेंट की एजुकेटेड लड़की, नाम घसीटा लाल है और कॉन्वेंट की एजुकेटेड लड़की जी। वाह कैसे लोग हैं यार, किसे मिलेगा सीमा के लिए अच्छा रिश्ता? भगवान जी प्लीज प्लीज कुछ करो। दूसरा चेक करती हूँ। मम्मा हेलो। हाँ मम्मा। मम्मा मुझे आज पता चला कि आपको घर में कितने काम होते हैं, कितनी चीजें संभालनी पड़ती है घर की बहू को। अनमोल फिर तो तूने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने कभी भी तेरी नानी से घर की कोई भी गॉसिप नहीं की। सॉरी मम्मा पर मैं गॉसिप नहीं करी थी, मैं तो आपकी तारीफ करी थी। अनमोल माँ हूँ मैं तेरी, तो क्या कर रही थी और क्या नहीं मुझे सब पता है। माँ सॉक्स कहाँ रखी है मेरी, मिल नहीं रही है। प्रताप इतने बड़े हो गए हो अभी भी अपनी चीजें नहीं संभाल पाते, अरे अपने रूम में देखो बाहर क्यों होंगी तुम्हारी सॉक्स। मम्मा आपको कितनी बार कहा है मैंने जूतों के अंदर रख दिया करो, ना आपको दिक्कत होगी ना मुझे ढूंढने में दिक्कत होगी। तुम्हारे ड्रॉअर में बात कर लो पहले आप फोन पे। हाँ अनमोल भैया कभी नहीं सुधरेंगे, गुस्से में ना ये बिल्कुल इन पे गया है। सोच रही एक बहू ले आऊं जो इसको मेरे पल्लू से छुड़ाकर अपने पल्लू में बांध ले। मम्मा मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। अच्छा ठीक है। कितने हैं? 50,000। मत मानना बेटी, तुम्हारे ताऊजी हर साल इससे कई ज्यादा रकम डोनेट करते आ रहे हैं, क्या इस साल उन्हें बिजनेस में लॉस हुआ है? जी अंकल, ताऊजी ने तो कुछ नहीं कहा लेकिन भैया बता रहे थे कि इस बार बिजनेस में लॉस हुआ है। तुम्हारे ताऊजी बहुत महान आदमी हैं, इतना नुकसान होने के बावजूद भी उन्हें हमारा ख्याल रहा, मैं उन्हें पर्सनली अभी थैंक्स कहना चाहता हूँ। फोन मत करिए, वो क्या है ना कि ताऊजी पहले से ही बहुत शर्मिंदा हैं, वो इतना कम डोनेशन दे पा रहे हैं, अगर अपने फोन करेंगे तो उन्हें बुरा लगेगा। तुम सही कह रही हो बेटी, तुम मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स कह देना, इससे मेरी बात भी रह जाएगी और उनके जज्बातों को ठेस भी नहीं पहुंचेगी। जी अंकल मैं जरूर कह दूंगी, अब मैं चलती हूँ। बुआ जी सुनिए ना बुआ जी, बहुत बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। चुप हो जाओ किचन। ओ सीमा, सीमा को चुप कराना है आपको। चुप बुआ जी, आप ये क्या कह रही हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं मतलब मैं जानती हूँ आप नाराज हैं मुझसे और इसीलिए आप मुझसे बात नहीं कर रही हैं, पर बुआ जी मैंने जानबूझकर वो गलती नहीं की ना, वो आप तो जानती हैं मेरा दिल साफ है, इसीलिए मैं अपनी गलती सुधारने का एक मौका चाहती हूँ। बुआ जी आपको लगता है ना कि सीमा का रिश्ता मेरी वजह से टूटा है, इसीलिए मैं ना सीमा के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। हाँ लड़का ना पास में ही रहता है, आप जानती भी उन्हें और वो मेरे रिश्ते में भी लगते हैं, मेरे बड़े भैया प्रताप भैया। तेरा दिमाग तूने फिर क्या क्यों बोलने लगी है? मैंने सीमा के लिए मौन व्रत रखा था कि उसका रिश्ता कहीं अच्छी जगह हो जाए और तूने मेरा व्रत तोड़वा दिया। अच्छा अच्छा क्या अच्छा? मेरा मतलब है आपने सीमा के लिए व्रत रखा था तो बुआ जी आपका मौन व्रत कैसे टूटा? आपने बात तभी की ना जब सीमा के लिए रिश्ता आया। पर तेरे घर वाले मानेंगे क्या? क्यों नहीं मानेंगे बुआ जी,
वैसे भी अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा है, बाबूजी ने मुझे एक्सेप्ट कर दिया है। सॉरी बुआ जी, नहीं मेरा मतलब है, माफ कर दीजिए मुझे, मैं कह रही थी कि बाबूजी ने भी मुझे अपना लिया है और उनकी और पापा की दोस्ती भी हो गई है, उनका बिजनेस भी इतना अच्छा जा रहा है और भैया की शादी भी तो करवानी, ये तो सोचिए सीमा कितनी आराम से रहेगी, हर काम में मम्मा और चाची की हेल्प भी कर देंगी। बात तो तू पते की कर रही है, पर सोचना पड़ेगा। सोचना क्या है बुआ जी, मम्मा जैसी लड़की ढूंढ रही है ना भैया के लिए, सीमा बिल्कुल वैसी ही है, अच्छी हाइट है, घर के सारे काम आते हैं उसे और भैया और उसमें एज डिफरेंस भी ठीक ठाक ही है, सीमा से अच्छी बहू तो हो ही नहीं सकती हमारे घर के लिए। चलो इतना तो पता है कि बहू में क्या क्या गुण होने चाहिए। बुआ जी अब तो मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी इतनी बड़ी परेशानी दूर कर दी। हाँ 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 हाँ, पर सोचने दे मुझे, अब रिश्ते यूं धन्य से नहीं हो जाते, हर बात सोचनी समझनी पड़ती है। माफ किया पर अब पूरा नहीं, अभी बहुत सी बातें करनी बाकी हैं। थैंक यू बुआ जी, सॉरी, आई मीन माफ कर दीजिए मुझे। बुआ जी मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर हुआ, मम्मा के कानों में भी तो बात डालनी पड़ेगी ना सीमा और भैया के रिश्ते की। मैं जाती हूँ। करते तूने फोन काटा, तो यहाँ क्यों चली आई? अरे मम्मा, पड़ोस में शादी करने का यही तो फायदा है, जब भी मन जाए मम्मा से मिल लो। चल बदमाश, बोलना क्यों आई? पहले आप ये बताओ कि निधि कहाँ है? वो ओल्ड एज होम गई है और उसके बाद जाएगी शॉपिंग करने। अकेली चली गई? मुझे बता दी तो मैं भी चली जाती साथ में। क्यों, शॉपिंग पे या ओल्ड एज होम? मम्मा ओल्ड एज होम। अच्छा कब तक आएगी वो? तू यहाँ उससे मिलने आई है? अरे नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं आप ही से बात करने आई हूँ, पर अगर निधि भी साथ में होती तो थोड़ा अच्छे से बात कर पाती। ओ, ससुराल की बुराई करनी है? मम्मा नहीं, ससुराल में ना सब कुछ ठीक है, बल्कि मैं तो यहाँ के बारे में सोच रही थी, आपके बारे में सोच रही थी। मेरे बारे में? मुझे क्या हुआ? चलिए बताती, ये देख स्त्री वाला भी नहीं आया। तो मेरी बात सुनिए मम्मा, अभी आप ही फोन पे कह रही थी ना कि भैया की शादी करवानी है ताकि उनके मोजे संभालने वाली, मेरा मतलब है उन्हें संभालने वाली अगर आ जाएगी तो आपकी थोड़ी टेंशन दूर हो जाएगी। हाँ कहा तो था, लेकिन मिलेगी कहाँ ऐसी लड़की? तो बताइए ना आपको कैसी बहू चाहिए? संस्कारी हो, घर में सबसे मेल मिलाप से रहने वाली हो, घर का कामकाज जानती हो, हमारे बराबरी के खानदान की हो। मम्मा बराबरी के खानदान की होना जरूरी है क्या? पता नहीं कहाँ मिलेगी ऐसी लड़की। और हाँ प्रताप को भी तो पसंद आनी चाहिए। हाँ तो भैया को कैसी लड़की चाहिए? तू जानती नहीं कि अपने भाई को, उसे तो कैटरीना कैफ के अलावा कोई अच्छी ही नहीं लगती। प्रताप भैया को सीमा के लिए मनवाने से आसान है किचन में स्टिकर लगाना। वैसे मम्मा आज तो पब्लिक हॉलिडे है ना, सारे ऑफिसेस भी बंद है, तभी तो निखिल भी मैच खेलने गए हैं। हाँ तो मुझसे क्यों पूछ रही है? आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि पायल कहीं दिखाई नहीं दे रही, वो आज आई नहीं पापा के अकाउंट्स देखने। उसे पर्सनल काम था कुछ, इसलिए छुट्टी लेकर गई। तो यहाँ बैठ, मैं आती हूँ। जरूर निखिल का मैच देखने गई होगी डायन कहीं की, हर जगह उसे अपनी चोटी घुसेरने की आदत है। लेकिन निखिल ने तो कहा था कि क्लब के मेंबर्स के अलावा और कोई एंट्री ले ही नहीं सकता, कहीं पायल ने निखिल को क्लब की एंट्री के लिए मना तो नहीं लिया? तो इसीलिए निखिल फोन पे बिजी थे, उस डायन को मैसेज के जवाब दे रहे थे। अभी दोनों का लास्ट सीन चेक करती हूँ।
ये लो, पकड़ो पैसे और अपनी लालच को ना क्या संभालना। आप मर्यादा की सारी हदें पार कर दी। मेरे परिवार को आंचना, इसलिए मैंने इतनी गिरी हुई हरकत की आज। एक बात तो क्लियर, तुम समझदार और अपनी फैमिली से प्यार भी बहुत करते। आज तुम इतना प्यार मुझसे, कोई नहीं, मैं इससे एडजस्ट कर लूंगा। आई लाइक चाहते क्या हो, क्यों कर रहे हो सब कुछ? देखो मैं से ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगी। मकसद क्या है और कब तक चलेगा ऐसे? स्वीट हार्ट क्यों परेशान हो रही? मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। आखिरकार तुम मेरी पत्नी हो, पर थोड़ा इंतजार, अभी गेम शुरू हुई है, अभी मजा आना शुरू हुआ है, थोड़ा मजा और आना प्लीज। थोड़ा गेम और चल, फिर तुम्हें क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, सब बताऊं। हाँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि तुम्हारे मंजिल का रास्ता आसान है। ये कांटों वाली सड़क है और तुम इस पे चल के जाओ। वाह, ठीक है, तो फिलहाल के लिए रिलैक्स और आने वाले पल के लिए अपने आप को तैयार करो, ताकि तुम मेरा साथ दे सको। चलो कि मैं आया। अब क्या हुआ बेबी? मेरा कड़ा कहीं गिर गया। अरे चोर के घर पे चोरी, दया आती है मुझे। और जब मैं आने वाले पल के बारे में सोचता हूं, मुझे तुम पे और भी निधि बेटा, परेशान लग रही हो? वो ताऊ जी, मेरा कड़ा कहीं गिर गया है। मैं शायद मैं उल्टी झूम गई थी ना चैरिटी देने के लिए, शायद वहीं रह गया होगा। मैं तुरंत लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जाओ पर ये ड्राइवर को लेकर जाना। हाँ ठीक है। निधि बेटिया, मैं तुमसे ही मिलने आया था, तुम तो दरवाजे पे ही मिल गई। अंकल आप यहाँ क्या काम है? अरे ये कड़ा, मैंने सोचा इतनी महंगी चीज है, मैं खुद जाके दे दूँ। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं कुछ चाय के लिए अंदर बुलाती, लेकिन मुझे भी कहीं बाहर निकलना है। कोई बात नहीं, मैं कभी आ जाऊंगा। अरे शास्त्री जी आप यहाँ? रचन सिंह जी नमस्ते। अरे नमस्कार नमस्कार, आइए। मैंने सोचा आप ऑफिस चले गए होंगे काम के लिए, आप तो घर पे ही हो। नहीं बस वो थोड़ा सा काम था इसीलिए। बताइए कैसे आना हुआ? अरे वो निधि बिटिया अपना कड़ा ऑफिस में भूल गई थी। हाँ 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 बताया उसने, तो मैंने सोचा मैं जाके खुद ही दे दूँ। अरे थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब मुझे कोई नहीं बता सकता, क्या कहूँ किताऊ जी को, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। प्लीज भगवान जी कुछ करिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.